हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने साथ चैप्टर था हमारा डेप्रिसिएशन जो चल रहा था, और डेप्रिसिएशन चैप्टर की आज लेक्चर है 4, क्लास नंबर 4, चैप्टर चल रहा था डेप्रिसिएशन। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन की सारी वर्किंग्स बताई थी। हमारा सिर्फ एक पोर्शन पेंडिंग है, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो हमने लास्ट क्लास में यही छोड़ा था, हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के अंदर लेजर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये नंबर लाइन जो होती है यही आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन। इसके बिना क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। तो हम एक स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर है हमारे असाइनमेंट का 7। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और नंबर लाइन उसको प्रिपेयर करेंगे। मैं जरा इसको फोल्ड कर देता हूं जिससे आप सिर्फ रेलिवेंट पार्ट ही देख सकें। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोला है, हमेशा ये चेक करना है मैं आपको कुछ प्रीवियस भी रिवीजन करा दूंगा और हम इसको भी देख लेते हैं। 31 दिसंबर एवरी ईयर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारा पुराना रिवीजन अपने आप हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, सर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। इट मींस कौन सा ईयर है हमारा? ये हमारा ईयर होता है जिसको आप कहते हो कैलेंडर ईयर। इट मींस सर ये जनवरी में स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर में खत्म हो जाएगा, पहला चीज। दूसरी चीज आपने ये ढूंढना होता है क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। सो आंसर इज यस, 10% पर एनम गिवन है। और मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बेसिस। डिमिनिशिंग का मतलब ही होता है, मैंने आपको बताया था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3 ईयर्स। इट मीन्स जनरली क्वेश्चन में 3 ईयर्स का डेटा दिया होता है तो 3 साल का आपने लेजर अकाउंट बनाना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले मेन चीज पढ़ ली, अब आते हैं आराम से। अ फर्म परचेज्ड ऑन 1st जनवरी 2006 अ मशीनरी ऑफ ₹75,000। तो पहले डेट आ गई है तो मैं सबसे पहले नंबर लाइन बनाऊंगा जिसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है। ये मैंने 3 साल का नंबर लाइन बना दी। ये फर्स्ट ईयर खत्म, ये सेकेंड ईयर खत्म और ये थर्ड ईयर खत्म। जनवरी में स्टार्ट हुआ है यानी 1/1/2006। अफकोर्स सर अगर 1st जनवरी 2006 से करेंगे तो ईयर एंड कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट ही ये नंबर लाइन है, 31st दिसंबर 2006। यहाँ पे चलते हैं 31st दिसंबर 2007 और हमारा जो लास्ट ईयर एंड होगा 31st दिसंबर 2008। ये फर्स्ट ईयर है आपका, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। बहुत आराम से चलना बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ लेजर अकाउंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज, हाँ जी, 1st जनवरी को आपने मशीन खरीदी है 75,000 की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपने इस दिन मशीन खरीदी है 75,000 की। ऑन 1st जुलाई इन द सेम ईयर, उसी साल की 1st जुलाई को आपने एडिशनल प्लांट खरीद लिया जिसकी कॉस्ट थी 30,000 फुल स्टॉप। इट मींस सर आपने यहाँ पे मिडल में मैं डेट डाल देता हूं, इस दिन क्या डेट बता रहे हैं? 1st of July 2006। इस दिन आपने एक और मशीन खरीद ली 30,000 की। अब आपके बिजनेस में दो दो मशीन है, ये आपकी
फर्स्ट मशीन है और ये आपकी सेकंड मशीन है। एक बिजनेस में दो दो मशीन है। और आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम 31 दिसंबर। सिंपल क्वेश्चन है, बस दो मशीन है आपके पास। क्वेश्चन में हटा देता हूं आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो डेप्रिसिएशन का रेट था वो है 10% पर एनम और मेथड है डिमिनिशिंग, WDV मेथड। अब हम क्वेश्चन को हटा देते हैं, क्वेश्चन की बातें खत्म, अब सारा कुछ नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको बार बार मैंने बोला है कि डेप्रिसिएशन उस पीरियड पे लगती है जितने मंथ्स आपने क्या करा है, यूज करा है। बस यही एक पॉइंट है, जितने मंथ यूज करोगे उतने मंथ्स की आप क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन। तो मैं आपके साथ अब मंथ्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता हूं। ये देखें जरा मेरे साथ, पहली मशीनरी यहां खरीदी थी, ऑफ कोर्स पूरे कितने महीने यूज होगी, 12 महीने, तो आपको 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगानी। सर ये वाली मशीन आपने जुलाई में खरीदी थी, कितने मंथ्स यूज होगी, कितने मंथ्स यूज होगी, 6 मंथ्स, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 6 मंथ्स। हम यहां पहुंच गए, अगले साल पहली मशीन कितने महीने यूज होगी, 12 महीने, और सर अगले साल दूसरी मशीन भी तो 12 मंथ्स ही यूज होगी, तो दोनों पे कितने मंथ्स की लगेगी, 12 मंथ्स। थर्ड ईयर फिर 12 मंथ्स और सेकंड मशीन पे भी 12 मंथ्स। तो इस तरह से आपको डेप्रिसिएशन लगानी है। अब हम आते हैं आपके साथ अकाउंट में। अब आपने मेरे साथ साथ लेजर अकाउंट सीखना है। ये आ गया हमारे साथ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से आपको लेजर बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। डेट का पहला कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर अगेन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जब हम असेट्स खरीदते हैं तो आप यहां हो गए 2, बैंक अकाउंट, इसका मतलब आपने क्या किया है, असेट्स को क्या करा है, परचेज करा है। अभी आपको जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा, फॉर्मेट सब बताऊंगा। अब आपने किस दिन खरीदा है, आपके सामने डेट है 1-1, इस दिन आपने मशीन खरीदी है, कितने की खरीदी है, 75,000 की। और आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, सर इस दिन एक और मशीन खरीदी, यानी सर फिर हम डेट डालेंगे, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ स्पेस छोड़ के, 1-7-2006, सर एक और मशीन खरीदी, 2, अगेन फिर बैंक अकाउंट, आपने एक और मशीन खरीदी, उसका नाम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मशीन नंबर 2, सिर्फ नॉलेज के लिए, वो मशीन कितने की थी, 30,000। तो हमने मशीन खरीद ली, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। अब सर ईयर हो गया हमारा एंड, जब ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को ईयर एंड होगा 2006, यहां पे आप लगाओगे पूरे साल की डेप्रिसिएशन, आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। अब बच्चा कह रहा है सर दो मशीन है, एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगेगी, पहली मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है, दोनों पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मैं यहां कर देता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिखा 75,000, ये पहली मशीन है और ये है दूसरी मशीन, ये है 30,000 की। मैं अब डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूं फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, उसका रेट है 10%, इस पे तो 12 महीने की लगेगी डेप्रिसिएशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहला करके दिखा देता हूं आपको, 75,000 पे 10% मगर 12 मंथ्स की, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 7500।
बट अगर मैं दूसरे वाले की निकालूं, इसकी थी 30,000। पहला क्वेश्चन है, आराम आराम से समझ यूज करी सिर्फ 6 मंथ्स, तो ये आ गया 1500। ये दोनों की क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। बस नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, अब डेट क्या है, ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2006, और इसको बोला जाता है WDV। ये वैल्यू है, अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे आएगा 67,500। इसमें से इसको मैंने माइनस कर दिया, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा 28,500। अब मैं अपने वापस आ जाता हूँ, मैं बस डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ। मेरी इसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, सीधा चाहें तो आप बाहर वाले कॉलम में लिख सकते हैं 7500, और दूसरे की डेप्रिसिएशन आ रही है 1500। और लास्ट में जब एंड होगा, ईयर एंड की बात दोबारा से कर रहा हूं, लास्ट में आप लिखोगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, पहली मशीनरी का कितना बैलेंस बचा है और दूसरी मशीन का कितना बैलेंस बचा है। तो आप देख सकते हो ये बैलेंसेस हैं हमारे पास, कितना कितना आ गया। पहली मशीन का बैलेंस बचा है 67,500, और दूसरी मशीन का बैलेंस बचा है 28,500। तो पहला साल हमारा हो गया खत्म। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, पहला क्वेश्चन सिंपल। टोटल कर लेंगे हम जरा, पहला साल हो गया खत्म। आप टोटल करो, आपका टोटल टैली होना चाहिए। अगर यहाँ पे टोटल करते हैं सो 105,000। इधर का टोटल एक बार कैलकुलेटर से करके दिखाते हैं आपको। पहला है 7500 प्लस 1500 प्लस 67,500, ये आ गया 1,05,000। तो आपका टैली कर रहा है और बैलेंस आ गए आपके, बिल्कुल सही टैली कर रहा है। जब भी ईयर एंड करते हैं तो एज पर फॉर्मेट आपको डबल लाइन लगानी चाहिए, बिकॉज ईयर एंड हो गया है। अब सर इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग? तो नेक्स्ट ईयर डे डाल रहे हैं 1 जनवरी 7, और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। सिर्फ कॉपी करना है 2 बैलेंस बीडी, मशीन 1 और मशीन 2, दोनों के क्या क्या बैलेंसेस थे, 67,500, 28,500। अब सर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, अब ये देखेंगे, अब हम सेकेंड ईयर पे पहुंच चुके हैं, ये है हमारा सेकेंड ईयर। क्या सर इस साल आपने कोई मशीन खरीदी है? सो आंसर इज नो, इस साल कुछ नहीं हुआ। इट मीन सर इस साल और कुछ नहीं आएगा। अगर कोई परचेज करते तो मैं यहाँ लिखता टू बैंक अकाउंट, बट सर इस साल कुछ नहीं किया, इस साल बस डेप्रिसिएशन लगेगी जब ईयर हमारा एंड होगा। 31 दिसंबर ईयर एंड कब होगा? 2007। आपने ध्यान से देखना है हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम इस ईयर एंड पे यहाँ पहुंच चुके हैं, और इस साल क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन। बट अब पूरे 12-12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 मशीन 2, और उसके बाद जो बच जाएगा उसके बाद लास्ट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कि मशीन सर हमारे पास कितनी बची, मशीन 1 और मशीन 2। इस तरह से हमारा सेकेंड ईयर भी क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये इंफॉर्मेशन के लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने वर्किंग्स पर। अब मैं यहाँ पे वर्किंग्स पे आ गया हूं, और मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 10%। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है
मेथड हमारे पास है WDV मेथड। WDV का मतलब होता है डिमनिशिंग। डिमनिशिंग का मतलब होता है जो वैल्यू रिड्यूस होके आई है, जैसे यहाँ पे आपने किस पे लगाया था, इस पे, जो वैल्यू रिड्यूस होके आई है उस पे 10% लगाएंगे। कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। तो पूरे 12 महीने के लिए लगाएंगे तो आएगा 6750। क्या इस पे भी 12 months आएगा? यस, क्योंकि इस साल ये भी कितने महीने चली है, 12 months। तो 12 months का 10%, तो ये आ गया 2850। ये इनकी डेप्रिसिएशन है। हेंस हमारे पास लास्ट दिन 31 दिसंबर को क्या वैल्यू बची? फटाफट जरा माइनस कर लेते हैं। वर्किंग समझ आ गई, बस फिर वैल्यू पुट करनी। -6750, ये आ गया 60,750। इधर चलते हैं, 28,500 -2850, तो ये आ गया। बस अब ये हमें लेजर के अंदर आज अब जल्दी जल्दी हम इसकी बैलेंस को डाल देते हैं। सर डेप्रिसिएशन कितना आया था? डेप्रिसिएशन आया था पहली मशीन पे 6750, दूसरी मशीन पे था 2850, और बैलेंस सीडी कितना आया है? 60750 25650। और आपको पता है ये बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। अभी है सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। अगली बार के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। अब हम उल्टा चलते हैं, पहले एक बार इसको टोटल कर लें। क्या सर ये टैली हो रहा है? जरा एक बार टैली कर लेते हैं। 67,500 और 28,500, तो ये आ रहा है सर 96,000। चेक करते हैं क्या ये भी 96 आ रहा है। 6750 2850 60750 25650, तो ये भी बिल्कुल सही 96,000 आ रहा है। टैली कर रहा है इसलिए मैंने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर है हमारे पास। लास्ट ईयर की पहले वर्किंग्स बना लेते हैं। ये हमारे साथ लास्ट ईयर कितने महीने यूज हुई है? दोनों मशीन 12 महीने 12 महीने यूज हुई है। मेन वर्ड है यूज। मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाता हूं 10%, ये 12 months। अगर मैं इसका 10% लगाता हूं 12 months के लिए, तो ये आएगा 6075। कुछ नहीं करना होता, एक जीरो कम करना होता है, बस खत्म। अगर इसमें से एक जीरो कम करेंगे 2565, बस खत्म। तो ये लास्ट हमारे पास आ गई 31 दिसंबर। कहां पहुंच गए हम? लास्ट में। ये है इसकी वैल्यू। तो कितनी वैल्यू आ गई? अगर इसको माइनस करते हैं जरा, 60750 मैंने माइनस कर दिया और ये आ गया 54675। इधर चलते हैं जरा, 25650 और उसमें से माइनस कर देते हैं ये, तो ये आ गया 23085। ये इनके बैलेंसेस आ गए हैं। एक बार ऐसे ही नॉर्मली इन बैलेंसेस को प्लस करके देखते हैं जरा, दोनों मशीन के बैलेंसेस कितने कितने आ रहे हैं। दोनों मशीन को 54675, तो ये आ रहा है 77,760। ये दोनों मशीन्स का क्या है? टोटल है। आपकी वर्किंग्स क्लियर होगी, बस अब वैल्यूज डालनी है जल्दी जल्दी। टोटल मैंने इसलिए किया बिकॉज हमारे क्वेश्चन में पूछा था बैलेंस ऑफ मशीन, टोटल बैलेंस कितना आ रहा है। आप देख सकते हैं 77,760, ये क्वेश्चन में पूछा था। बाकी मैं अब फिगर्स डाल देता हूं इसके अंदर। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ आए जरा फिगर्स में। ये बैलेंसेस सर अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे 1 जनवरी 2008। और क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता लगा है कि सर इसमें सिर्फ
कैलकुलेशन पार्ट है, ज्यादा कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर, बस आपने उन कैलकुलेशंस को ध्यान रखना है कौन सा मेथड है, अदरवाइज चैप्टर बहुत आसान है। इस साल सर कुछ नहीं हुआ, यानी इस साल आपने क्या लगाना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन, पूरे साल में कुछ नहीं हुआ तो मैंने यहाँ लगाया डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, और लास्ट में सर लास्ट में क्या बचेगा, मशीन का बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, अगेन फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, और आपने फाइनली क्या करना है टोटल, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो जल्दी जल्दी मशीन्स की वैल्यू डाल देते हैं, ये हमारे पास फिगर्स थी और इन फिगर्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं जरा, 6075 2565। ये डाल दिया, अब क्लोजिंग बैलेंस 54675 और 23085, और इनका टोटलिंग कर लेते हैं, इसकी टोटलिंग कितनी आएगी, 00774 6 और ये आ गया 8 86400। तो यहाँ पे कितना आएगा, 86400। तीनों साल की हमने आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करा दिया है, मुश्किल कुछ नहीं था, फॉर्मेट सीखना था आपने, फॉर्मेट में किस तरह से वैल्यूज डालनी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चंस मुश्किल करता जाऊंगा, मैंने बस आपको ये बताया था कि जब हम परचेज करते हैं तो इधर लिखते हैं टू बैंक, और धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को और आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन टफ करने हैं, प्लस हमें ये सीखना है सर हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं रहा। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी असेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, कोई भी असेट है, वेदर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी असेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो उसमें मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है वो मैं सब कुछ लिख देता हूं इसके अंदर, बट आपने बस इतना सा ढूंढना है कि सर हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके साथ आपका पूरा एंटायर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब मेरे साथ जरा समझेंगे, जब आप सबसे पहले जब आप असेट परचेज करते हो तो आप यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब आपने क्या करी है, असेट को क्या करा है, परचेज। जितनी बार असेट परचेज करोगे बार बार बैंक लिखते रहना। तो इस साइड में तो सिर्फ एक ही चीज दिखेगी आपको, बैंक। अगर सर आप सेल करते हो, अगर आप सेल करते हो तो आपको यहां लिखना पड़ेगा बाय बैंक। नीचे मैं लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए सेल। अगर उस साल में सेल भी है परचेज भी है, पहले खरीदेंगे फिर बेचेंगे तो दोनों चीजें आएंगी, तो मैक्सिमम जो जो चीजें हैं सब कर देता हूं। बट सपोज मान लेते हैं जो सेल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने असेट खरीदी 1000 की, फॉर एग्जांपल। इस असेट के ऊपर मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 100 रुपए की। इट मींस सर मेरे पास असेट कितने की थी, असेट थी 1000 रुपीज की, मगर मैंने उसको यूज करा और यूज करने से उस पर डेप्रिसिएशन लगी 100 रुपीज की। तो फाइनली सर मेरी असेट की वैल्यू पता है कितनी बची, मेरी वैल्यू बची 900। 900 की असेट है और क्वेश्चन में लिखा है आपने उसको बेच दिया 780 रुपीज में। इट मींस सेल प्राइस कितना है, 780, क्वेश्चन बताएगा। तो 900 की चीज अगर मैं 780 में सेल कर देता हूं, इट मींस आपको मशीन पे क्या हो गया, लॉस हो गया।
और कितने का लॉस हो गया, 120। तो जब लॉस होगा तो आप यहां लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल, आप लिखोगे यहाँ पे बाय लॉस ऑन सेल, और कितने का लॉस हुआ है आपको, 120। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम जो जो आएगा सब मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सर अगर प्रॉफिट हो गया, बच्चा कहता है सर अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो आपने यहां लिखना है प्रॉफिट ऑन सेल, इस तरह से। अभी हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो मैक्सिमम सर ये चीजें मिलेंगी, और लास्ट में जो बच जाता है उसको बोला जाता है बैलेंस सीडी, जो भी लास्ट में फिगर बच गई। तो एक मशीनरी अकाउंट में मैक्सिमम इतनी आइटम्स आती हैं, और ये जो बीडी होता है अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, खत्म। तो किसी भी असेट अकाउंट में बेसिकली कितनी आइटम आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर आ गई 7। तो बस 7 के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ स्कूल्स वाले कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, और वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी डाल देते हैं चेक करने के लिए। वो ये डाल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मशीन में, एक मशीन थी और उसमें आग लग गई, फायर, या वो बताते हैं कि आपने उसमें दीमक लग गई, एक मशीन थी फर्नीचर था उसमें क्या लग गया, दीमक, और आपने उसको खत्म कर दिया, खत्म करने को बोलते हैं राइट ऑफ। ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल्स के अंदर पूछी जाती है, अदरवाइज ये चीज कभी नहीं पूछेंगे, नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पूछी जाती। अगर ऐसा कुछ आ गया कि मशीन में दीमक लग गई है या आग लग गई है, उसको खत्म करना है, तो आपने यहाँ पे आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा लॉस बाय फायर या लॉस बाय दीमक, रिटर्न ऑफ, खत्म करना मतलब होता है राइट ऑफ। तो इस चीज को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते, इसलिए मैं इसे काट देता हूँ। बेसिक ये है सब कुछ, आपको बस चेक करना है किस अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन है। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 10। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर नंबर लाइन बनाएंगे और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। आओ मेरे साथ जरा आराम से समझ लेते हैं, पहले फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने उठाया रेड पेन और मेरी काम की चीज, मैंने देखा कितने साल का मशीनरी अकाउंट, कह रहे मशीनरी अकाउंट बनाओ कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। फिर मैंने देखा मेथड कौन सा है, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल मेथड है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट। फिर मैंने चेक किया डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% पर एनम। और मैंने लास्ट चीज चेक करी हमारा ईयर कौन सा है, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, यानी जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म होगा। सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, हमने मेन मेन चीजें पढ़ ली। अब हम जरा अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जरा फटाफट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपने असाइनमेंट का, और इसके अंदर डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम, और मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। और मैंने फिर बता देता हूं डेप्रिसिएशन उतने मंथ्स की लगेगी जितने मंथ्स आपने मशीन को क्या करा है, यूज करा है। अब चलते हैं आगे। 1 जनवरी 2007 अ कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹80,000, उस पे फ्रेट आ गया सर, खर्चा आ गया 12,000 का, एक और खर्चा आ गया इंस्टॉलेशन का, सर दो दो खर्चे आ गए, 12,000 और 8,000। और मैंने आपको बताया था जो भी एक्सपेंसेस होते हैं मशीनरी के ऊपर, दैट अ पार्ट ऑफ मशीन, वो खर्चा नहीं होता, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो जरा नंबर लाइन बनाते हैं फटाफट यहाँ पे,
मेरे साथ साथ आप जरा जल्दी जल्दी चलेंगे। ये बनाई मैंने नंबर लाइन, 3 साल में मैंने डिवाइड कर दिया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ईयर लिख लेते हैं, सबसे पहले है 1 जनवरी 2007, ये एंड होगा 31 दिसंबर 2007 में। फिर नेक्स्ट ईयर एंड होगा 2008, और फिर नेक्स्ट ईयर एंड होगा 2009। 3 साल है। पहले साल में आपने मशीन खरीदी, तो मशीन कितने की है? 80,000 की। मगर उस पे खर्चा हो गया और उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 12,000 का फ्रेट है, और इंस्टॉलेशन कितनी है? 8,000। तो देखा जाए तो हमारे पास टोटल फर्नीचर, फर्नीचर नहीं मशीन, मशीन हमारे पास टोटल मशीन हो गई 1 लाख की। ये हो गई हमारी मशीन 1 लाख की। और आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल इन द सेम ईयर, उसी साल में परचेज्ड अनदर मशीन, एक और मशीन खरीदी है 60,000 की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे डेट, ये जो डेट है ये है 1 अप्रैल। इस दिन आपने एक और मशीन खरीदी है, वो कितने की खरीदी है? 60,000 की। दो मशीन हो गई आपके पास, मशीन 1, मशीन 2। और आगे चलते हैं। ऑन 1 जुलाई 2009 कंपनी सोल्ड, बेच दी, कौन सी मशीन? पहली मशीन बेच दी 72,000 में। यानी सर कब बेची है? 1 जुलाई। डेट हमें देखनी पड़ेगी सर, ये डेट कहाँ लाई करेगी। तो 1 जुलाई 2009 ये डेट यहाँ पे आएगी, 1 जुलाई 2009। इस दिन क्या हुआ? आपने मशीनरी बेच दी, मशीनरी सोल्ड कर दी, मगर कौन सी वाली? फर्स्ट वाली। कितने रुपए में बेच दी? 72,000 में आपने इसको बेच दिया। ऑन द सेम डेट, क्वेश्चन आराम से पढ़ रहा हूं, समझ आ जाए एक बारी। उसी दिन इट परचेज न्यू मशीन, जब मशीन बेची होगी तो आपके पास पैसा आया होगा, और उसी पैसे से आपने एक नई मशीन खरीद ली 50,000। यानी सर इसी दिन दोबारा से, इस एरो को यहां ले जाते हैं, इस दिन आपने एक और मशीन परचेज कर ली 50,000 की। तो ये वाली मशीन हो गई मशीन नंबर 3। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर लाइन बना ली है, क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब चलेंगे आराम से क्वेश्चन की बात समझेंगे, सर ये क्या कह रहा था। मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने नंबर लाइन के साथ डिस्क्राइब कर दिया है, बस अब हमें वर्किंग्स करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर मशीनरी बेची कौन सी है? फर्स्ट। तो मैं चाहता हूं सिर्फ पहली मशीन पे काम किया जाए, फर्स्ट मशीन पे, सिर्फ फर्स्ट मशीन की बात करूं, और कोई नहीं देखना आपने। यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट मशीन, सिर्फ फर्स्ट मशीन आपने कितने में खरीदी थी? 1 लाख। आराम से समझना, ये फर्स्ट मशीन की है कॉस्ट, इस पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 10%। मगर ये बताओ पहली मशीनरी कितने महीने यूज होगी? पहली मशीनरी पूरे 12 महीने यूज होगी। तो अगर 1 लाख का 10% निकालू, और 12 मंथ्स की, 12 बाई 12, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 10,000। इट मीन सर वैल्यू कितनी बची? 90,000। डेट डाल देता हूं, हम कहां पहुंच चुके हैं? हम 31 दिसंबर यहां पहुंच चुके हैं 2007 पे। अब अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, मगर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? ऑफ कोर्स सर 12 महीने का लगेगा। तो अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 12 महीने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
मेथड क्या है? एसएलएम। अगर आपको याद हो, एसएलएम का दूसरा भी एक नाम था, वो नाम था ओरिजिनल कॉस्ट। और ओरिजिनल का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट सर, इस पे लगनी है डेप्रिसिएशन। तो आप गड़बड़ मत करना, मेथड्स बहुत ध्यान से समझना है। 1 लाख पर 12 महीने का 10%, तो सर डेप्रिसिएशन वही आएगी 10,000। इट मीन सर ये डेप्रिसिएशन इसी पे लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ये कितनी आ गई? 80,000। हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम यहाँ पहुंच गए हैं। इसकी डेट क्या है? 31 दिसंबर 2008। अब सर इसके आगे चलते हैं। ये मशीन यहां से यूज करना स्टार्ट हुआ, बट ये यूज हो पाएगी सिर्फ यहां तक। क्यों सर? क्योंकि यहां के बाद आपने इसको बेच दिया। अब क्वेश्चन ये है सर, कितने मंथ्स और यूज हुई? तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 6 मंथ्स और यूज हुई है, 6 मंथ्स। इट मीन सर, अब हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो हम 12 महीने की नहीं, हम कितने महीने की लगाएंगे? 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन लगेगा इसी के ऊपर, बट 6 मंथ्स का। अब इंटेलिजेंट वाला काम करो, 12 महीने पे 10,000 है, तो 6 महीने पे कितना होगा? 6 महीने पे होगा आधा। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई? 75। बट सर डेट क्या आई? हम कहाँ पहुंच चुके हैं? यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं 1 जुलाई 2009। इतने की मशीनरी थी और आपने उसे कितने में बेच दिया? कितने में बेचा था आपने? 72,000 में आपने उसको बेच दिया था। हेंस आपकी मशीन 75 की थी, 72,000 में बेच दिया, इसका मतलब आपको क्या हुआ है? लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 3,000 का। तो ये हमारी वर्किंग्स हो गई उस मशीन की जो मशीनरी बेची है। बस बाकी तो सर सिंपल है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड मशीन, और उसके बाद हम कौन सी मशीन बना लेंगे? हम बना लेंगे थर्ड मशीन। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, फर्स्ट मशीन की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट थी। मैं चाहता हूं पहले हम फर्स्ट मशीन की कैलकुलेशन को यहाँ लिख लें, जिससे आपके लिए इजी हो जाए। तो फटाफट मेरे साथ एक बार देखते हैं। ये मेरे सामने आ गया लेजर अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी का, डेबिट क्रेडिट साइड। मैं जल्दी जल्दी सिर्फ अभी फर्स्ट मशीन की बात करता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ये है हमारे साथ सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ जरा मेरे साथ, नंबर लाइन आपके सामने है, मेरी हेल्प करेंगे। 1 जनवरी 2007 आपने मशीनरी खरीदी थी, आप लिखोगे टू बैंक मशीनरी परचेज। मशीन वन, कितने की मशीन थी? 1 लाख की। मैं सिर्फ अभी मशीन वन की बात कर रहा हूँ, सेकंड मशीन की बात नहीं कर रहे। अब डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल में, डेप्रिसिएशन लगेगा 2007 में। मैंने यहां लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन वन मशीन टू। बट अभी बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ मशीन वन की। मशीन वन पे कितनी डेप्रिसिएशन थी? अगर आपको याद हो तो मैंने 10,000 की डेप्रिसिएशन लगाई। आप चेक कर सकते हो, पहले साल 10,000 की डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 5,000। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ अब। उसके बाद सर यहाँ पे जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी, मशीन वन मशीन टू। पहला साल क्लोज, सिर्फ मशीन वन की बात करेंगे। मशीन वन का बैलेंस बचा था 90,000। 1 लाख में से 10,000 गया, कितना बचा? 90,000। नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी मशीन वन मशीन टू। मशीन वन की बात करते हैं, कितना बैलेंस है? 90,000। सेकेंड ईयर फिर 31 दिसंबर 2008 फिर डेप्रिसिएशन लगेगा,
डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1 मशीन 2। याद करो मशीन 1 पे सेकंड ईयर भी 10,000 डेप्रिसिएशन लगा है। लास्ट में बचा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। 90 में से 10 गए तो कितना बचा? 80,000। सेकंड ईयर भी खत्म। बस अगर वर्किंग्स बन गई अब तो फटाफट अकाउंट बनाना है। इस साल का सीडी यहां बन जाएगा बीडी। हम आ गए हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर ध्यान से, ध्यान क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में सर आपने मशीन सेल करी थी, तो थर्ड ईयर पे आपने फोकस करना है। टू बैलेंस बीडी, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का कितना बैलेंस बचा है? 80,000। ये रहा 80, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब सर क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। हम लास्ट ईयर चल रहे हैं और लास्ट ईयर 1 जुलाई को हमारे बिजनेस में एक दुर्घटना हुई। क्या हुई? 1 जुलाई को आपने मशीनरी बेच दी। कितने में बेची थी? 72 में। अब मैं इस चीज को रिकॉर्ड करता हूं यहाँ पे। डेट बहुत ध्यान से देखेंगे सर, कब हुई है ये दुर्घटना? ये हुई है 1 जुलाई 2009। इस दिन क्या होगा? सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कौन सी मशीन पे? सिर्फ पहली मशीन पर। फिर मैं सेल करूंगा। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा बाय बैंक। और सेल के बाद मैं ये चेक करूंगा क्या मुझे लॉस हुआ है या मुझे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप बच्चों को याद हो, मैं दिखा देता हूँ। सेल प्राइस तो मैंने अभी अभी बताया था 72,000। पहला क्वेश्चन, इस पे से डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी? आए जरा बेटा, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगी थी 5,000 और लॉस हुआ था 3,000 का। इन फिगर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली मशीन खत्म 5,000 और लॉस हुआ था 3,000। जब हम सीए के अंदर क्लासेस लेते हैं तो वहां पे हमें टीचर क्लियरली ये दिखाते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हो 80,000 की मशीन थी, उसमें इनका टोटल करो, ये 80 ही आ रहा है। 5 और 72, 77 और 380। यानी वो दिखाते हैं कि देखो पूरी की पूरी मशीनरी खत्म हो गई है, बिक गई है, जिससे आपको परफेक्टली समझ आ जाए कि सर अब मशीनरी 1 हो चुकी है खत्म। तो ये हमारी फर्स्ट मशीन था। अब क्या करना है? जब ईयर एंड होगा, ये एंड होगा 31 दिसंबर को, इस दिन आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। जो मशीन बच गई, पहली तो चली गई सर, और भी तो मशीन थी, सेकंड मशीन थी, उस पे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, और जो लास्ट में बचेगा वो लिखोगे आप बैलेंस सीडी। अब मैं फटाफट सिंपल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको। इससे रिलेटेड कोई डाउट? तो इससे रिलेटेड और बच्चों को डाउट्स नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी काम करेंगे, खत्म। बस आप मुझे ये बताएंगे कि सर हमने आगे क्या हुआ। अब मेरे साथ साथ चलो। सर हमने इस साल एक और मशीन खरीदी थी, उसकी डेट क्या थी? उसकी डेट थी सर 1 अप्रैल। हमने इस दिन एक और मशीन खरीदी, टू बैंक। कुछ नहीं करना अब तो सर, सिंपल कैलकुलेशन है, बस खरीदो। कौन सी मशीन खरीदी है? सेकंड मशीन। कितने की है? 60,000। खत्म। बस अब आप समझने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। 60,000 की सर मशीन है, इस पे डेप्रिसिएशन। बहुत ध्यान से सर, जब मशीन यहाँ खरीदी है तो ये बताएं कितने महीने यूज होगी? ये वाली मशीन यहां से लेके यहाँ तक कितने मंथ्स यूज होगी? तो मैंने कैलकुलेट करा, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 9 मंथ्स यूज होगी। तो मैं क्या करूंगा, 60,000 पे 10% कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 9 मंथ्स का।
तो फटाफट जरा इनकी वर्किंग्स कर लेते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, करें एक बारी कितना आया है, आओ मेरे साथ। ये लो मैं फटाफट लिखता हूँ सर, मेरी पास मशीन थी 60,000 की, बट फर्स्ट ईयर कितने मंथ्स यूज होगी, फर्स्ट ईयर 9 मंथ्स यूज होगी, जल्दी जरा देखते हैं। 60,000 का 10% 9 मंथ्स के लिए, 60,000 का 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, ये आ गया सर 4,500। 4,500 की डेप्रिसिएशन लग गई, बताएं कितना बैलेंस बच गया। मगर सर जब हम नेक्स्ट ईयर चलेंगे तो नेक्स्ट ईयर तो सर पूरे 12 महीने ही यूज होगी, इट मीन सर नेक्स्ट ईयर जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो पूरे 12 महीने की लगाओगे। अब 12 महीने की कैसे लगाएंगे, 60,000 पे 10% 12 मंथ्स के लिए, तो पूरा कितना आ जाएगा 6,000। अब मैं 6,000 अगर इसमें से माइनस कर देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 49,500। मैं फटाफट करके देख लेता हूँ, -6,000, 49,500। थर्ड ईयर पे आ जाओ, क्या थर्ड ईयर आपने मशीनरी पूरे साल यूज करी है, यस। थर्ड ईयर फिर 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 12 महीने की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 6,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगी। और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 43,500। सिंपल मेथड था, इसकी जो भी वर्किंग्स हैं फटाफट हम याद करके डाल देते हैं। जल्दी जल्दी आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करना, फिगर्स याद रखना, आए मेरे साथ। सेकंड मशीन की बात हो रही है, सेकंड मशीनरी पे पहले साल डेप्रिसिएशन लगी थी 4,500, तो बैलेंस कितना आया था, बैलेंस आया था 55,500। फिर ओपनिंग बैलेंस 55,500, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगी थी 6,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आया था 49,500। थर्ड ईयर चलते हैं, थर्ड ईयर ये कितना आ गया 49,500। और सर इस साल सेकंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन फिर कितनी लगी थी, 6,000, तो सेकंड मशीन का जो बैलेंस सीडी है वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 43,500। बस मैंने सेकंड मशीन की सारी वैल्यूज डाल दी, सब कुछ खत्म, लास्ट पॉइंट रह गया और हमारा क्वेश्चन भी खत्म। पहले साल खत्म, दूसरे साल खत्म, सर तीसरे साल थर्ड ईयर आपने मशीन बेची भी थी मगर साथ में सर एक और मशीन खरीदी भी थी, 50,000 की मशीन खरीदी थी यहाँ पे। अब मैं कहता हूं अगर आपने मशीन यहाँ खरीदी है तो ये बताएं कितने महीने यूज कर पाओगे, अगर आपने 1 जुलाई को खरीदी है तो आप मैक्सिमम कितने महीने यूज कर पाओगे, 6 महीने। इट मीन्स इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, मगर कितने महीने का, सिर्फ 6 मंथ्स का, और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन मान लेते हैं यहाँ पे आपने मशीन खरीदी है 50,000 की, उस पे डेप्रिसिएशन लग गया 10% 6 मंथ्स के लिए। फाइनली आपके पास कितनी मशीन बची, 47,500। इसकी बात कर लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन, सर मशीनरी किस साल खरीदी है, ना फर्स्ट ईयर ना सेकंड ईयर, किस साल खरीदी है, थर्ड ईयर। जब मशीन खरीदते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ये मशीन आपने परचेज करी है, डेट क्या है 1 जुलाई, कितने की मशीन थी, 50,000। सर इस पर डेप्रिसिएशन, कौन सी मशीन है ये, थर्ड, सॉरी यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे जब ईयर एंड होगा, थर्ड मशीन, इस पर डेप्रिसिएशन लगी 6 मंथ्स की, सिर्फ 2,500। और इसका फाइनली बैलेंस सीडी कितना आया था, 47,500। खत्म, तीनों साल खत्म, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ टोटल करना है स्पीड से। मैं टोटल करके दिखा देता हूं आपका, इसका टोटल आ रहा है 1,60,000। अगर इसका करेंगे टोटल 45,000, 1,45,500, और अगर हम इसका टोटल करते हैं 80 और 1,80,000,
79,500, और अगर इसका सारा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करते हैं 1,79,500। इस तरह से आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन है और टाइम कंज्यूमिंग है, नथिंग एल्स, कुछ मुश्किल नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।